आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बीस्ट की, जो कि एड्रिस एल्बा की एक काफी बेहतरीन लायन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में अफ्रीका के जंगलों में कुछ लोग नजर आते हैं और वो लोग शिकारी होते हैं और वो लोग जंगलों में आगे बढ़ते हैं और काफी सारे शेरों को मार देते हैं और फिर वो लोग उन्हें जाकर देखते हैं और वहीं पर उन्हें उनके एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है जिसमें एक शेर वहां से भागता है और तब वो लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें उन्हें उनका साथी घायल हालत में मिलता है और फिर उन लोगों पर शेर हमला करके उन्हें मारने लगता है और इसी के साथ इस बेहतरीन फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर दो दिन के बाद हमें एक प्लेन में डॉक्टर नेट नजर आते हैं जो कि अपनी बेटी केट और नोरा के साथ अफ्रीका के जंगलों में घूमने जा रहे होते हैं और वो जगह तीनों को काफी पसंद आती है और वहां जाने का कारण नेट की पत्नी होती है जो कि हाल ही में मरी थी और उसी जंगलों में नेट उससे मिला था। और फिर प्लेन उतरता है और वहां से तीनों एक होटल में इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद वहां पर डॉक्टर सैम आते हैं जो कि जंगलों में जानवरों को संभालने का काम करता है और फिर वो आकर नेट और लड़कियों से मिलता है और फिर चारों वहां से निकलते हैं जिसमें वो लोग सैम के घर की तरफ जाते हैं और वहां काफी सारे लोग छुट्टियां मनाने आते हैं ये सैम बताता है, जिसमें उसी ने नेट और उसकी माँ को जंगलों में एक ट्रिप के दौरान मिलवाया था और उनकी माँ के बारे में सुनकर लड़कियां काफी खुश होती है और फिर वो लोग घर पर पहुंचते हैं और वहां से वो लोग अंदर जाकर कमरे देखते हैं और वहां नोरा वाईफाई पासवर्ड पूछती है और तब सैम बताता है कि ये जगह पर वाईफाई के साथ साथ नेटवर्क की भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं और इन चीजों से लड़कियां थोड़ी दुखी होती है और वहां सैम उन्हें आदत हो जाएगी ये बताता है। और वहां कैट को उसकी माँ की तस्वीर नजर आती है जो कि उसके पसंदीदा पेड़ के साथ खींची गई थी और वो लोग काफी खुश होते हैं और फिर वहां पर वो लोग सामान सेट करने जाते हैं और वहां से सामान निकालकर रूम तैयार करते हैं और उस जगह पर नेट कैट से बात करता है जिसमें कैट ठीक से बात नहीं करती और तब नेट बाहर आकर सैम से उसके काम के बारे में पूछता है और सैम बताता है कि वो ठीक चल रहा है और फिर कैट भी वहां पर खाना खाने आती है जिसमें दोनों लड़कियां अपनी पढ़ाई के बारे में सैम को बताती है और वहां कैट अपने पिता से नाराज होती है क्योंकि उसकी माँ की मौत के लिए वो नेट को जिम्मेदार समझती है। असल में नेट अपनी पत्नी से अलग हो चुका था और इसी दरमियान वो कैंसर से मारी गई थी और उनके अलग होने से लड़कियां नेट को उसी की मौत के लिए जिम्मेदार समझती है, जिसमें ये ट्रिप नेट ने अपनी बेटियों के करीब आने के लिए ही अरेंज की थी। और तब वहां नेट बताता है कि उसकी मॉम ने साथ में मिलकर दोनों के अलग होने का डिसाइड किया था और इस चीज से लड़कियां नाराज होकर निकल जाती है। और फिर रात को सैम और नेट ड्रिंक लेते हैं जिसमें सैम नेट को वहां देखकर खुश होता है और वहां नेट काफी दुखी होता है जिसमें सैम बताता है कि ये चीज उसकी गलती नहीं थी, साथ ही उसकी पत्नी भी नहीं चाहेगी कि वो उसके बारे में खुद को जिम्मेदार समझे, जिसमें नेट हाँ बोलता है और तब सैम उसे चीजें भूलकर वहां एंजॉय करने कहता है। अगली सुबह सुबह चारों वहां से जंगल में सफर के लिए निकलते हैं और वहां चारों घने जंगलों की तरफ जाते हैं जिसमें उन्हें काफी सारे जानवर दिखते हैं और तब वो लोग सभी जानवरों की तस्वीर निकालते हैं और वहां से सैम उन्हें वहां की खास जगह पर लाता है जिसमें वहां सभी लोग बाहर आते हैं और वहां सैम से आकर मार्क नाम का एक आदमी मिलता है और मार्क वहां के सभी शेरों को संभालने का काम करता है और वहां शेरों का एक पूरा कबीला होता है और फिर सैम उनसे मिलने जाता है जिसमें वो बताता है कि यहाँ के शेरों के इस इलाके में अगर कोई और शेर आया तो वो लोग उन्हें मार देंगे। और वहां मार्क एक गन पर नींद के इंजेक्शन लगाता है जिससे खतरे होने पर वो लोग उसे यूज कर सके और फिर सैम वहां से आगे जाकर शेरों से मिलता है जिसमें सभी शेर उसे जानते हैं और वहां एक शेर घायल होता है और इसी वजह से वो भड़का हुआ होता है और तब सैम वहां से मार्क के पास आता है और उसे घायल शेर का ख्याल रखने कहता है जिसमें मार्क को कुछ सामान चाहिए होता है और वो सैम को पास के गांव से लाने कहता है जिसमें सैम हाँ बोलता है और सैम वहां से बाकी सभी लोगों को लेकर निकलता है जिसमें नेट को वो बताता है कि वो शेर घायल कैसे हुआ ये चीज उसे नहीं समझ रही। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें पास के गांव में हॉस्पिटल का पूरा सामान रखा गया होता है और वहां नोरा बताती है कि वहां के आसपास के इलाके में काफी सारे शिकारी है ऐसा उसने पढ़ा था, जिसमें सैम हाँ बोलता है और रास्ते में एक जगह पर दो रात पहले मरने वाले शिकारियों के मांस खाते हुए गीदड़ भी नजर आते हैं और फिर सभी लोग गांव पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें काफी सारी चीजें देखने मिलेगी ये सैम बताता है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन वहां गांव में कोई नहीं होता और ये चीज नेट को अजीब लगती है और वहां से वो आगे बढ़ता है और उसे एक घर में काफी सारे मरे हुए लोग दिखता है और तब वो लड़कियों को वहां से गाड़ी के पास भेजता है और सैम भी सभी मरे हुए लोगों को देखता है जिसमें किसी ने गांव के सभी लोगों पर हमला किया होता है लेकिन उनके शेर ऐसा नहीं करते ये सैम को पता होता है।
जिसमें वहां पर कोई भी नहीं बचा होता और फिर दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पे आसपास के इलाके में खतरा हो सकता है और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं, जिसमें बाहर से नोरा गायब हो चुकी होती है और तब नेट उसे ढूंढने जाता है और नोरा उसे एक जगह पर मिलती है जिसमें वो मरी हुई एक लड़की को देख रही होती है और फिर वो सभी लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें सैम को रेडियो सिग्नल नहीं मिलता और वो लोग डरते डरते आगे बढ़ते हैं और वहीं पर गांव का एक आदमी काफ़ी घायल हालत में सामने आता है और तब सैम उसके पास जाता है और वो आदमी काफ़ी डरा हुआ होता है और वो उन लोगों को बताता है कि वहाँ पर दूसरा एक जंगली शेर आ चुका है और तब सैम आगे बढ़ता है और नेट गाड़ी में से मेडिकल का सामान लेकर उस आदमी के पास आता है, लेकिन तब तक वो आदमी मर चुका होता है। दूसरी तरफ सैम बंदूक लेकर एक तालाब के पास आता है और पानी में जाने पर उसे पीछे से आवाज़ आती है और शेर उस पर हमला करता है और ये आवाज़ नेट और लड़कियाँ भी सुन लेती है और वहाँ नेट आगे बढ़ता है और वहाँ वो आगे जाकर सैम को ढूंढ रहा होता है और वहीं पर वो भागकर गाड़ी के पास आता है और वो गाड़ी में बैठ जाता है जिसमें शेर गाड़ी पर हमला करता है और तब तीनों गाड़ी में काफ़ी डर जाते हैं, जिसमें शेर गाड़ी में घुसने भी जाता है और वहाँ नेट उसे लात मारकर बाहर धकेल देता है और तब कैट वहाँ से गाड़ी चलाती है और पहाड़ी की नोक पर एक पेड़ों के बीच में वो गाड़ी को ठोक देती है, जिसमें वहाँ नेट देखता है कि लड़कियाँ ठीक है और नेट को बाहर शेर भी नज़र नहीं आता और वहाँ उन लोगों को लगता है कि सैम मर चुका है और इसलिए वो लोग दुखी होते हैं, जिसमें नेट वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा ये बताता है और उन लोगों का रेडियो भी काम नहीं कर रहा ये केट बताती है और तब वहीं पर वॉकी टॉकी बजता है और सैम की आवाज़ आती है और तब वहाँ नेट सैम से बात करता है और सैम बताता है कि वो एक तालाब के पास है जिसमें शेर ने उसके पैर पर हमला किया और वो घायल हो चुका है और अब शेर यहाँ से निकल चुका है, जिसमें नेट को गाड़ी में ही रहने की वो सलाह देता है और तब नेट बताता है कि उसकी गाड़ी एक जगह पर फंसी हुई है और वो सैम को उसके घाव के बारे में पूछता है और तब सैम बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल है और वो चल भी नहीं सकता और अचानक से शेर उसके सामने ही आ जाता है, जिसमें वो सैम को देख रहा होता है और तब नेट उसे बचाने आ रहा है ये बताता है और वहाँ सैम उसे गाड़ी में से बंदूक लेकर आने कहता है, जिसमें गाड़ी में उन लोगों को एक गन और काफ़ी सारी बेहोशी के इंजेक्शन मिलते हैं और तब वो लोग उस गन को तैयार करते हैं, जिसमें सैम उन्हें बताता है कि उसके पास में एक टावर है और अचानक से वहाँ से शेर गायब हो चुका होता है और तब नेट उस शेर को बेहोश करने का प्लान बनाता है और फिर वो वहाँ से ऊपर आकर सैम को ढूंढता है, जिसमें आसपास में उसे कहीं भी शेर नज़र नहीं आता और उसे सैम के पास का टावर नज़र आ जाता है और फिर नेट वहाँ जाने तैयार होता है और वहीं पर पीछे से शेर आकर नेट पर हमला करता है और तब कैट वहाँ से सैम के पास जाने निकलती है और नेट गाड़ी के नीचे शेर से छुप जाता है और वो शेर से बच रहा होता है और तब गाड़ी में ऊपर से नोरा शेर को इंजेक्शन मार देती है और तब शेर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ कैट सैम के पास आती है और उसे लेकर वो वापस आती है, जिसमें वहाँ नेट उन्हें बताता है कि वो लोग सेफ है और शेर अब तक बेहोश हो चुका होगा और फिर वो लोग गाड़ी में सैम को लाकर उसका इलाज करते हैं, जिसमें गाड़ी में उन लोगों के पास मेडिकल का जो भी सामान होता है वो लोग उसे यूज़ कर लेते हैं और वहाँ सैम बेहोश होता है, जिसमें उन्हें वहीं पर शेर नज़र आता है जिस पर इंजेक्शन का कुछ भी असर नहीं हुआ होता और फिर रात तक सभी लोग कार में ही होते, जिसमें रेडियो अभी भी काम नहीं करता और उन लोगों के पास पानी भी खत्म होने वाला होता है और वो लोग बाकी सामान देखते हैं और फिर वहाँ नेट सबको आराम करने कहता है, जिसमें सब ठीक होगा ये वो बताता है। कुछ घंटों के बाद रात को सैम उठता है और वहाँ नेट उससे बात करता है, जिसमें सैम बताता है कि उसे उसके पैर फील ही नहीं हो रहे और वहाँ नेट बोलता है कि वो शेर वहीं पर जगा हुआ है और इस पर इंजेक्शन का असर कुछ भी नहीं हुआ और तब सैम समझ जाता है कि वो एक काफ़ी ख़तरनाक शहर है, जिसमें आसपास के कुछ शिकारियों ने उसके कबीलों को मारा था ऐसा उसने सुना था और ये शेर बच गया होगा और अब वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा खूंखार बन चुका होगा और तब सैम को नेट बोलता है कि वो यहाँ से लड़कियों को लेकर निकलना चाहता है और तब सैम बोलता है कि यहाँ से बिना गाड़ी से निकलकर वो लोग शेर से बच नहीं सकते, जिसमें वो उन्हें वहीं पर रहने कहता है और उनके निकले हुए काफ़ी वक्त हो चुका है और वो लोग वापस नहीं गए और इसी वजह से वहाँ पर मदद आती होगी ये वो बताता है और तब सैम इस बारे में सोचते सोचते सो जाता है। कुछ घंटों के बाद सैम उठता है और वो अपने पत्नी को याद करता है और फिर वो कैट को बताता है कि वो हमेशा से उसकी माँ से प्यार करता था, लेकिन उनके पास वक्त की काफ़ी कमी थी और उसे कैट में उसकी पत्नी नज़र आती है ये बताकर वो माफ़ी मांगता है और तब कैट उन्हें माफ़ कर देती है और वहीं पर पीछे से कुछ लोग आते हैं और तब नेट कार से बाहर आता है, जिसमें वहाँ वो शिकारी होते हैं
और नेट उनसे मदद मांगता है और तब शिकारी बताते हैं कि ये इलाका काफी खतरनाक है और वो लोग नेट से पैसे मांगते हैं और तब नेट पैसे देने तैयार हो जाता है, जिसमें वो शिकारी वहां पर लिफ्ट देने के लिए दरवाजा खोलते हैं और वो लोग सैम को देखते हैं जो कि उनका दुश्मन होता है और तब वो लोग भड़क जाते हैं और कैट और नेट को पकड़ लेते हैं और वहीं पर शेर आकर उन शिकारियों पर हमला करता है और तब नेट कैट को गाड़ी में बिठाकर आगे बढ़ता है, जिसमें सारे शिकारी शेर के पीछे गए होते हैं और वहां नेट उनकी गाड़ी देखता है और उसकी चाबी शिकारियों के पास होती है और तब नेट उनके पास लेने जाने का डिसाइड करता है और वो एक गन लेकर आगे बढ़ता है और उसे एक शिकारी मिलता है जिसे शेर ने मार दिया होता है, लेकिन नेट को उसके पास चाबी नहीं मिलती और वो दूसरों को ढूंढने जाता है, जिसमें उसे तालाब के पास वो लोग मरे हुए दिखते हैं और फिर नेट आगे बढ़ता है जिसमें वो शेर वहीं पर होता है और तब नेट छुप जाता है और वहां पर वॉकी टोकी से उसकी बेटियां उसके बारे में पूछती है और तब नेट उसे फेंक देता है, जिसमें शेर उनकी आवाज सुनकर वॉकी टोकी को देखता है और वहां ऊपर नेट छुपा हुआ होता है और उसके पास एक सांप आता है और तब नेट उसे पकड़कर शेर पर फेंक देता है, जिसमें शेर सांप से डरकर भाग जाता है और उसके जाने के बाद नेट नीचे आकर आगे बढ़ता है और वो शेर से छुपता रहता है और तब शेर उसे ढूंढने नहीं पाता। और दूसरी तरफ से लड़कियां फिर से नेट के लिए हॉर्न बजाती है और ये लड़कियां अपने पिता की तकलीफें बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। और फिर शेर उनकी तरफ जाता है और तब नेट आगे बढ़कर एक आदमी के पास आता है और उसे चेक करता है, जिसमें उसे गाड़ी की चाबियां मिल जाती है और वो वॉकी टॉकी से अपनी बेटियों को बताता है कि वो वापिस आ रहा है। दूसरी तरफ लड़कियां सैम का ध्यान रखती है और वहीं पर शेर गाड़ी पर हमला कर देता है, जिसमें वो गाड़ी में घुसने का ट्राई करता है और एक कांच तोड़कर वो अंदर घुस भी जाता है और तब सैम दूसरी तरफ से लड़कियों को बाहर निकालता है और वहीं पर गाड़ी खाई में सैम और शेर को लेकर गिर पड़ती है और दोनों कार के पास घायल होते हैं, जिसमें वहाँ पेट्रोल गिर रहा होता है और तब शेर सैम के पास आता है और वहाँ सैम आग लगाकर धमाका करवाता है और वहाँ सैम और शेर दोनों नहीं दिखते। और फिर ऊपर नेट कार के पास पहुंचता है, जिसमें उसे लड़कियां मिलती हैं और सैम और कार के नीचे गिरने के बारे में वो बताती है और तब नेट देखता है कि कैट घायल है और उन लोगों को वहां से निकलना होगा ये बताकर वो आगे सैम को देखने जाता है, जिसमें वो कार चल रही होती है और सैम के जिंदा रहने की उसे कोई भी उम्मीद नहीं होती। कुछ देर बाद नेट वहां से गाड़ी लेकर अपनी बेटियों के साथ सुबह सुबह आगे बढ़ता है और वहां से शेरों के कबीले के पास से वो लोग गुजरते हैं, जिसमें दूसरी तरफ उन्हें घर दिखता है और वो लोग उस घर में घुसते हैं और वहां नेट समझ जाता है कि ये घर उन शिकारियों का है और नेट कैट को एक जगह पर बिठाता है और उसका घाव देखता है और उसे थोड़ा मेडिकल का सामान चाहिए होता है और इसलिए नेट घर में शायद वो होगा ये सोचकर घर में दूसरी तरफ उसे ढूंढने जाता है, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी सामान नहीं मिलता और इसी दौरान शेर भी घर में घुसता है और तब वहां लड़कियां छुप जाती है। कुछ देर बाद दोनों चिल्लाकर अपने पिता को बुलाती है और तब नेट भागकर उनके पास आता है और शेर पर गोलियां चलाकर आगे बढ़ता है और फिर वो लड़कियों को लेकर वहां से निकलता है और घर की दूसरी तरफ एक कमरे में आकर नेट उस कमरे को बंद कर देता है और नेट समझ जाता है कि शेर के सर पर अब खून सवार है और अब वो नहीं रुकेगा और फिर नेट लड़कियों को उनके ख्याल रखने कहकर बाहर आता है, जिसमें शेर उसके सामने ही होता है और तब नेट उसे अपने पास बुलाकर आगे बढ़ता है, जिसमें शेर उसका पीछा करता है और वहां से नेट दूसरे शेरों के इलाके में घुसता है और उनके सामने ही नेट चाकू लेकर शेर से लड़ने लगता है, जिसमें वो खूंखार शेर नेट को घायल करने लगता है और नेट को वो काफी सारे घाव देता है। दूसरी तरफ शेर भी ये चीज देखते हैं और वो लोग उस खूंखार शेर को घेर लेते हैं और फिर शेर नेट को मारने जाता है और वहीं पर दूसरे शेर आकर खूंखार शेर पर वार करते हैं और वो लोग मिलकर उसे पकड़कर मारने लगते हैं और ये चीज नेट भी काफी बुरी हालत में दिखता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन नेट एक हॉस्पिटल में उठता है, जिसमें उसकी बेटियां उसके साथ होती है और वो बताती है कि नेट ने काफी अच्छा किया, जिसमें वो खूंखार शेर को दूसरे शेरों के इलाके में लेकर गया और उन्हीं शेरों से उसे मरवा दिया और तभी वहां पर दूसरे लोगों ने आकर नेट और उसकी बेटियों को बचा लिया था और तब नेट उनके ठीक होने पर फिर से वो लोग जंगल एडवेंचर पर जाएंगे ये वादा करता है और कुछ ही दिनों के बाद तीनों उसी पेड़ के पास आते जिसके पास नेट की पत्नी ने तस्वीर निकाली थी और वो लोग अपनी तस्वीर उसी जगह पर निकालते हैं और इसी के साथ ये काफी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर